हरियाणा जहां सर्वे महासर्वे पोल महापोल और तो और एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, वहां पर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ईवीएम सेट हो चुकी है, क्या वोटों की धांधली की गई है, क्या चुनाव आयोग इस खेल में शामिल है, क्या आंकड़ों को छुपाया गया है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है इसको लेकर एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से चुनाव आयोग भी मुंह छुपाने को मजबूर है। आपको बता दें कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और जब से ये जवाब निकलकर सामने आया है चुनाव आयोग की भयंकर फजीहत भी हो रही है। तो क्यों फजीहत हो रही है, कांग्रेस ने क्या कहा है, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले हरियाणा के वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपने अपने उंगलियों में दिखाया कि तीन निशान पड़े हुए हैं, एक बार फिर से दिखाइएगा ये तीन निशान क्यों है। ये वीआईपी, हाँ, आर्य कॉलेज, हाँ, ये कच्चा घर, हम्म, ये मेरी बीवी मर गई है, ये उसका, ये रिक्टोर, तीन निशान है। मतलब आपने तीन वोट डाले हैं। तो एक तरफ तो काउंटिंग चल रही है, दूसरी तरफ वोटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं एक शख्स है जिसकी उंगलियों पर तीन निशान लगे हुए हैं। इस पर जब पत्रकार घेरकर सवाल करता है कि आपने क्या तीन वोट डाले हैं, इस पर शख्स जवाब देता है कि मैंने तीन नहीं बल्कि 22 वोट डाले हैं, बल्कि अपनी बीवी का भी वोट डाला है जो कि अब मर चुकी है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि काउंटिंग में धांधली हो रही है, काउंटिंग का डेटा जारी नहीं किया जा रहा है, 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और डेटा अभी तक सिर्फ 5 राउंड का जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से कैसे चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और पत्र लिखते हुए ये डिमांड की गई है कि आखिर क्यों डेटा धीमी गति से जारी किया जा रहा है। अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब निकल कर सामने आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो आप ये आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। आपने पहले भी जब 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे निकल कर सामने आए थे तब भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो तथ्यों को पेश कीजिए, हम तो मिनट टू मिनट डेटा अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बाकायदा कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को जवाब दिया गया है और लेटर जारी किया गया है। अब जब से ये लेटर निकल कर सामने आया है पब्लिक ने चुनाव आयोग को घेर लिया है और घेर कर सवाल किया है कि जयराम रमेश के लेटर पर तो आपने जवाब दे दिया कि हम मिनट टू मिनट डेटा को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो पर क्या कहेंगे जिसमें एक शख्स खुद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने 22 वोट डाले हैं। चलिए मान भी लिया जाए कि ये वीडियो एक बार को फेक है, लेकिन उस वीडियो पर क्या कहेंगे जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा से निकल कर सामने आया और वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद के सही सामने भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने माना कि मैंने आपको 15 वोट डाले हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दी, हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे, आज ये गलत परिपाटी चल रही है। तो आप देख सकते हैं ये भी जब वीडियो निकल कर सामने आया था तब भी बवाल खड़ा हुआ था, तब भी सवाल किया गया था कि इस पर क्या जवाब देगा चुनाव आयोग। वीडियो को लगातार चुनाव आयोग को टैग भी किया गया, खबरें भी चलाई गई, लेकिन चुनाव आयोग ने तब कोई जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन आज चुनाव आयोग का जवाब निकल कर सामने आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, जो डिले हो रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं ये सब बेबुनियाद है। तो चुनाव आयोग आप देख सकते हैं कि कैसे सेलेक्टिव अप्रोच के तहत काम करता है, वीडियो पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में आप जानते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग खड़े हुए, नेता हो कार्यकर्ता हो फिर चाहे प्रत्याशी हो फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, चुनाव प्रचार तक जमीन पर उतर कर नहीं कर पाए।
दिखाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की लहर दिखाई दी। राहुल गांधी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली, लगातार चुनाव प्रचार पर चुनाव प्रचार किया। इन सब के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल उलट तस्वीर बयां कर रहे हैं। अब ये तस्वीर उल्टी है या फिर की जानबूझकर उल्टी की गई है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, हरियाणा में दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।